लाइलाज और जानलेवा मर्ज कोरोना वायरस का मुल्तान में खतरा मंडलाने लगा। निश्तर अस्पताल में कोरोना के शुबे में एक और मरीज दाखिल। जेर इलाज मरीजों की तादाद 3 हो गई। मुल्तान का रिहायशी 30 साला आबिद 10 रोज कबल चीन से वापस आया था। आबिद को नजला जुकाम की शिकायत होने पर फौरी तौर पर निश्तर अस्पताल दाखिल करवा दिया गया। मुल्तान में लाइलाज कोरोना वायरस के खतरा। आइसोलेशन वार्ड में कोरोना के शुबे में जेर इलाज आबिद नवाज शरीफ जरा यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर है। आबिद के अहले खाना की स्क्रीनिंग मुकम्मल। तमाम अहले खाना में कोई अलामत जाहिर नहीं हुई। अहले खाना समेत दीगर मिलने वालों की भी सख्त मॉनिटरिंग जारी। कोरोना वायरस से बचाव के लिए महकमे सेहत की जानिब से इकदाम जारी। मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग का अमल मजीद तेज कर दिया गया। मुख्तलिफ परवाजों से आने वाली 1,841 मुसाफरों की स्क्रीनिंग की गई। एयरपोर्ट पर महकमे सेहत के मुलाजमीन के लिए सामान दे दिया गया। कोरोना वायरस के मुमकिन खदशे के खिलाफ सिविल अस्पताल बहावलपुर में वर्कशॉप। मुख्तलिफ शोबाजात से डॉक्टर्स और नर्सेज की शिरकत। सरबरा मेडिकल एजुकेशन प्रोफेसर डॉक्टर मसरूर अली काजी ने लेक्चर दिया। अस्पताल के स्टाफ और मरीजों को एहतियाती तदाबीर बारे आगाही दी गई। बहरान पर बहरान। आटे के बाद चीनी ने भी किया परेशान। मुल्तान डीजी खान और खानेवाल में चीनी नायाब। जनूबी पंजाब में चीनी 85 रुपए की किलो में फरोख्त होने लगी। चीनी के खरीदारों ने हाय हाय महंगी चीनी के नारे लगा दिए। खरीदारों के साथ साथ दुकानदार भी परेशान। शहरियों का हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा। चीनी की कीमतों में इजाफे के बाद हलवाइयों ने भी कमर कस ली। कहते हैं कि चीनी 85 रुपए किलो हो चुकी है, अब मिठाई की कीमतों में इजाफे के बगैर गुजारा नहीं। मिठाई भी जल्द महंगी की जाएगी। जनूबी पंजाब सूबे का कयाम नारों से आगे न बढ़ सका। जनूबी पंजाब सूबे के लिए नौजवान तलबा और वकला भी मैदान में आ गए। डीजी खान के आवाम भी शिकवा कुना। कहते हैं कि हुकूमत अपने किसी वादे की तकमील नहीं कर सकी। अलग सूबा बनाने का वादा कब पूरा होगा। तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब सूबे का वादा करके भूल गई। हुकूमत अलग सूबे के लिए कोई खास पेशरफ्त नहीं कर सकी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सुहेल खान बाबर कहते हैं कि पीटीआई ने जनूबी पंजाब सूबे से राह फरार इख्तियार नहीं की। जल्द वादे पूरे किए जाएंगे। कपास के टींडे तल्फ न करने वालों की खैर नहीं। डिप्टी डायरेक्टर तौसी जरात मुल्तान मियां मंजूर अहमद इन एक्शन। मुकम्मल एक्शन प्लान तैयार कर लिया। टींडे लगी चिट्ठियां रखने वालों को नोटिस जारी करने का फैसला। दफा 144 पर अमल दरामद के लिए शुजाबाद के 85 मवाजात में फील्ड असिस्टेंट सुपरवाइजर तैनात कर दिए गए। महकमे जरात तौसी बहावलपुर की नाहली गंदम की फसल पर रश तो पहुंच गई। जरात तौसी के अफसरान काश्तकार तक नहीं पहुंच सके। जरात अफसरान दफातर और घरों तक महदूद। रश की वजह से रवा साल भी गंदम की पैदावार मुतासर होने का खदशा। काश्तकार कहते हैं कि महकमे जरात तौसी के लोग दफातर में भी नहीं मिलते, कहां जाएं। और ग्रीन एंड क्लीन मुहिम दुनियापुर और बहावन नगर में बुरी तरह नाकाम। शहर के मुख्तलिफ कॉलोनीज में सिवरेज निजाम दरहम बरहम। जा बजा गंदगी के ढेर। ताफुन बदू अमराज फूट पड़े। गंदगी और गलाजत से शहरी मुश्ताक।